फरवरी 2008 दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा था, लेकिन इस बीच लेफ्ट पार्टी के सांसद ने एक मसले के लिए नोटिस दिया जो ना बजट से जुड़ा था और ना ही राजनीति से। यहाँ बात क्रिकेट की होनी थी, क्रिकेट के भविष्य की, क्योंकि सांसद का कहना था कि जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है वहाँ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह मसला सत्र के कुछ महीने बाद शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ा था और बवाल उस लीग के लिए खिलाड़ियों की बोली पर हो रहा था। क्यों आखिर देश की संसद में आईपीएल को लेकर बवाल हुआ था? कौन थे वो सांसद? किस मंत्री पर निशाना साध रहे थे? हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों से जुड़ी स्पेशल सीरीज में मैं मोहित ग्रोवर आपको आज इसी किस्से के बारे में बताऊंगा जब देश की संसद में आईपीएल शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया था। तब के बीसीसीआई उपाध्यक्ष ललित मोदी बड़ी ही मशक्कत से एक ऐसी लीग शुरू करने की कोशिश में थे जो भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल दे, और उनकी ये कोशिश इंडियन प्रीमियर लीग की शक्ल में उभर कर सामने भी आ रही थी। बोर्ड के अंदर तमाम मसलों से पार पाते हुए ललित मोदी किसी तरह आईपीएल लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन एक मसला यहाँ पर फंस गया था और वो था खिलाड़ियों के ऑक्शन का। हिंदुस्तान जहाँ क्रिकेट को धर्म माना जाता है, जहाँ खिलाड़ियों को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, वहाँ कैसे आप खिलाड़ियों की बोली लगा पाएंगे? मतलब कैसे लोग देख पाएंगे कि सचिन तेंदुलकर इतने करोड़ में बिके या राहुल द्रविड़ पर इतने करोड़ लगाए गए? ये चिंता ललित मोदी भी जानते थे, लेकिन वो इसका दूसरा पहलू भी देख रहे थे जो भारत में एक नया ट्रेंड पैदा करने के लिए तैयार था। इसी चिंता के बीच एक तोड़ निकाला गया कि भाई जो बहुत बड़े प्लेयर है उनकी बोली ही ना लगाई जाए और उन्हें टीमों को एक आइकन प्लेयर के तौर पर दे दिया जाए, यानी सचिन, द्रविड़, गांगुली, सहवाग, यूवी जैसे बड़े प्लेयर्स को ऑक्शन से दूर रखा गया। बाकी बड़े प्लेयर्स के लिए एक ऑक्शन सिस्टम तैयार किया गया, टीमों के लिए एक तय बजट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू कर दिया गया, यानी आईपीएल ऑक्शन का सिस्टम भी तैयार हो गया था। आईपीएल के पहले सीजन का ऑक्शन 20 फरवरी को हुआ था। अब वापस संसद की कहानी पर आते हैं। लेफ्ट की सभी पार्टियों ने आईपीएल ऑक्शन को ब्लैक मनी से जोड़ा, संसद में इस मसले को उठा दिया। ये वो दौर था जब लेफ्ट पार्टियों और यूपीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में लेफ्ट पार्टी के नेता गुरदास दासगुप्ता ने इस मुद्दे को उछाला। आरोप ये था कि आईपीएल में ऑक्शन के जरिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है। जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और प्लेयर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, आप वहां खिलाड़ी बेच क्यों रहे हैं? गुरदास दासगुप्ता ने संसद में तर्क देते हुए कहा, यह क्रिकेट जैसे खेल के साथ खिलवाड़ है, यह ना सिर्फ देश में इस खेल के भविष्य को बिगाड़ देगा जबकि युवा प्लेयर्स को भी खेल की बजाय पैसों की ओर ही धकेलेगा। ना सिर्फ संसद बल्कि राजनीतिक हलकों में भी इसका विरोध हो रहा था। तब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने भी इस तरह के ऑक्शन का विरोध किया था और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि क्रिकेटर्स क्या कोई सामान है जो उन्हें दुकान लगाकर बेच दोगे। संसद में लेफ्ट का बवाल इसलिए भी था क्योंकि कई मामलों में अपनी सरकार से ही वो खफा थे और निशाने पर शरद पवार थे जो उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे और केंद्र की सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन संसद में हुए इस हंगामे का कोई असर आईपीएल पर नहीं हुआ और ना ही ऑक्शन पर हुआ। ऑक्शन संसद के बवाल से पहले ही हो चुके थे और आईपीएल भी अपनी तारीख तय कर चुका था। जब आईपीएल शुरू हुआ तब ललित मोदी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बॉलीवुड के बड़े सितारों को डांस परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी सुपरहिट हुई, तब ललित मोदी की तारीफ हुई। जब यही तारीफ बीसीसीआई के अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तो एक इवेंट है, एक इवेंट करना तो आसान होता है, ये बिल्कुल शादी के उस रिश्ते की तरह है जहां आप उसे कब तक निभाते हैं इसकी सफलता उसी पर ही निर्भर करती है। ललित मोदी पहले ऑक्शन फिर ओपनिंग सेरेमनी की सीढ़ी पार कर चुके थे। आईपीएल का पहला ऑक्शन भी कम मज़ेदार नहीं था क्योंकि उस समय एमएस धोनी जैसा बड़ा नाम इस ऑक्शन में शामिल था। कुछ वक्त पहले ही वो T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, धोनी के पास आइकन प्लेयर बनने का ऑफर भी था, लेकिन उन्होंने आईपीएल के ऑक्शन में जाना ही ठीक समझा। आखिर आईपीएल के पहले ऑक्शन में क्या हुआ था, ये किस्सा हम बताएंगे आपको इस किस्सों की अगली फहरिस्त में। किस्से कहानियों से जुड़े इस सिलसिले के लिए आप TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए।